के हवाले से, लेकिन जम्मू कश्मीर पर एक और तबसरा हुआ है। रिपोर्ट सामने आई है जिसने एक बार फिर होश उड़ा दिए हैं माहिरीन के, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह सबसे ऊपर। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त एनरोलमेंट ड्राइव चलने के बावजूद भी बच्चों का सरकारी स्कूलों से निकलना सबसे ऊपर। लेकिन अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। सफाई सुथराई से तकरीबन 50% के करीब लोग आज के वक्त में महरूम है। अच्छी गजा नहीं मिलती, सेहत का बुनियादी ढांचा कमजोर है, और तमाम कमजोरियां इस रिपोर्ट में एक एक बारीकी के साथ अब पेश कर दी गई हैं। और इस वक्त जो 13% के करीब तकरीबन जम्मू कश्मीर के लोग गरीब हैं, इंतहाई गरीब हैं, जिनके पास भरपूर खुराक नहीं है, सेहत का सही निजाम नहीं है, और गजाइयत पर भी सवाल इस रिपोर्ट के जरिए उठे हैं। और रिपोर्ट कब सामने आई है, कल के प्रोग्राम में आपके सामने नेशनल एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर का आपके सामने, यानी मरकजी वजारत की तरफ से जो सर्वे किया जाता है, उस सर्वे के एक दिन बाद बताया। और इसी वजारत का यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे साल 2015 और 16 में जो हुआ था उस पर मबनी ये रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के अंदर एक एक करके बताया गया है कितनी गरीबी कहां पर है। और सरे फहरिस्त जिला रामबन इस पर गौहर, सीधा श्रीनगर चलते हैं। जी हाँ, जो नीति आयोग की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है उसमें तकरीबन 13% लोग जम्मू कश्मीर के जो हैं वो गरीब हैं, यानी कि जिनमें नहीं सफाई सुथराई के साथ साथ गजाइत हालत और ऐसी फैसिलिटीज़ जो नहीं है, उसमें ये रिपोर्ट सामने आई है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहाँ से हमारे साथ है सईद तजम्मुल। तजम्मुल, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है नीति आयोग की, जिसमें कहा गया है कि एक तो न्यूट्रिशन हेल्थ या दीगर जितने भी बुनियादी मसाल हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, उनकी फुकदान को लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर कुछ आसिफ रशीद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर बिलाखिर नाम आ ही गया, मुल्क में बिहार पहले नंबर पे है जहां पर गुर्बत की सतह जो है 50% से जायद है, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते इसकी परसेंटेज भी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब की बार इसको लद्दाख भी शामिल किया गया, यानी जो तीनों खत्ते हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों सूबों की जब बात करते हैं, तो गुर्बत की सतह जो है इसकी तीन वजूहत को ढूंढने की कोशिश की गई है। सबसे पहले क्या सैनिटेशन सेहत सफाई का फुकदान तो नहीं है, उसको भी बहुत दर्जे तक पाया गया। उसके बाद शहर जिसमें सैनिटेशन, उसको भी पाया गया कि वाकई मुनासिब नहीं है। तालीमी मैदान में भी इन दूर दराज इलाकों में उतनी ज्यादा परेशानी लोगों में है कि जिससे गुर्बत के साथ इस फीसदी को इजाफा होता है। उसके बाद बड़ा अहम सेहत आमा का महकमा, माकूल और मुनासिब गजा न मिलने की वजह से, अच्छी खुराक न मिलने की वजह से काफी गरीब घराने हैं जिनकी वजह से इस परसेंटेज में इजाफा हुआ है। और रामबन से शुरुआत कीजिएगा और शहर श्रीनगर 1.1 यानी 1.5% के आसपास शहर श्रीनगर गुर्बत के सतह से निचली जिंदगी गुजर बसर करें, जिसमें थीद, हारवन और दूर दराज इलाके शामिल हैं, वजीनारा वगैरह जो कि आउटस्कर्ट्स वगैरह, वहां काफी गरीब लोगों की तादाद रिहाइश पजीर है। डाउन टाउन में भी ज्यादा अच्छे मामला नहीं चल रहे हैं, काफी गरीब लोग रिहाइश पजीर है। इसी तरह दूसरे मामला है पानीपुरा 10% के आसपास, और इसी तरह साउथ और नॉर्थ के जो बाकी एरियाज है उसमें 7%, 8%, 9% के आसपास में गरीब लोगों की तादाद है। लेकिन जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं जिस वक्त हम ये आदाद और शुमार पेश करते हैं, शायद ही यहाँ के वासियों को यकीन होगा कि नीति आयोग ने जो फहरिस्त जारी की है, जो मुल्क भर में सर्वे हुआ है, उसमें जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी हौसला अफजा फिगर नहीं मिले हैं। और कई वजूहत इसकी वजह से हैं, क्योंकि काफी अमूरात हमारे साथ काफी लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ, जिसमें ट्राइबल, गुजर, पहाड़ी और वो लोग जिन्हें जो दिन में कमाते हैं और शाम को गुजर बसर करते हैं, इन लोग की तादाद भी अच्छी खासी है, जिसकी वजह से कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 12 से 13% के आसपास तक ये परसेंटेज पहुंच चुकी है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज में जब देखते हैं तो वाकई होश उड़ जाते हैं। क्या रामबन जो कि टनल के इस तरफ से जब हम जम्मू की तरफ जाते हैं या कश्मीर की तरफ आना शुरू करते हैं, दूरदराज पहाड़ियों में ये खूबसूरत इलाका वैसे तो आबाद लगता है, लेकिन गुर्बत इतनी ज्यादा है शायद किसी ने आदाद और शुमार पे अभी तक ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया होता है। इसी तरह से बाकी अजला की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें अब चूंकि अगर आप सरकार की तरफ से स्कीमों की बात करें, देखें ट्राइबल के लिए पैसा आता है, बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से पैसा बागुजार किया जाता है, इनके लिए माकूल मुनासिब जो है मोबाइल हेल्थ सिस्टम भी हमारे पास है, लेकिन जो आप इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीजों को देखते हैं तो मुझे लगता है बड़ी हैरत होती है। सरकार और केंद्रीय सरकार का जो
पैसा आ जाता है, केंद्र सरकार का जो होश है, जो इस तरफ हौसला अफजाई करने की कोशिश की जाती है, ग्राउंड सतह पे उसका इम्प्लीमेंटेशन फिलहाल नजर कम आता है, जिसकी वजह से गुर्बत की सतह से निचली सतह पर जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों की परसेंटेज। अच्छा सैयद जमुल, जब हम आदादोशुमार को देखते हैं तो नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि जिन एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा आबादी है, बिहार नंबर वन टॉप ऑफ द टेबल रहा है, दो पे झारखंड है, तीन पे उत्तर प्रदेश है, लेकिन केरला 0.71% के साथ इस वक्त सबसे ऊपर है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस में। आज के वक्त में जब हम यूटी में तब्दील होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस इंडेक्स को देखते हैं तो तकरीबन 13% के आसपास गुर्बत का क्या ये मतलब निकाला जाए? चूंकि साल 2015 और 16 का जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर सरकार की वजारत का जो सर्वे है उस पर मबनी ये रिपोर्ट है, तो ये माना जाए कि जो पिछली सरकारें रहीं और मौजूदा निजाम है उसका एक तरह से ये रिपोर्ट कार्ड भी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम देखते हैं तो परसेंटेज सिर्फ श्रीनगर है जो 2% से नीचे आता है। बिल्कुल आसिफ रशीद, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में इन मामला को देखते हैं कि आखिर हमने सबसे बड़ा, आपने केरला का जिक्र किया, तालीमी परसेंटेज वहां पर तकरीबन 100% के आसपास है और यही वजह है कि वहां पर ये फिगर जो है उतने ज्यादा ऊंचे भी नहीं है, इसमें उछाल कम है। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में मरकजी स्कीमों की बात करें, जम्मू कश्मीर सरकारों की बात करें, सरकार जो है वो निजी तामीरात नहीं खड़े करते, हालांकि मरकजी स्कीमें बहुत सारे हैं, इंदिरा आवास योजना के तहत मकानात और अब प्राइम मिनिस्टर आवास के तहत कुछ मकानात तामीर किए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जिस वक्त आप इन डिस्ट्रिक्ट के फिगर देखते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार अमूमन जब आप पिछली सरकारों की बात करते हैं, मौजूदा सरकारों की बात करें, इन इलाकों में अगर आप देखेंगे जिनका तस्करा आप कर रहे हैं वहां पर तामीराती काम भी उतने सरकारी सतह पे नहीं हुए। अगर आप फुकदान देखेंगे तो स्कूल बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अगर आप हेल्थ सेंटर्स देखेंगे, पीएचसी देखेंगे तो ना होने के बराबर है। और जिस वक्त दर्द जहन में मुब्तला खवातीन का वो वक्त होता है जिस वक्त उन्हें पैसे की भी जरूरत है, उस वक्त माकूल मुनासिब डाइट की जरूरत होती है, तो वो भी उन आसपास के इलाकों तक महकमा सेहत नहीं पहुंचा पाया क्योंकि इलाका दूर दराज है। लेकिन इन तमाम वजूहत के बावजूद भी सरकार की जो जिम्मेदारी बनती थी, जो हमारे इस वक्त फिगर आ रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में ज्यादा अच्छे नहीं है, 11-12% लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, यानी उनके बारे में सरकार तो अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बाकी डिपार्टमेंट जो है जिन काम सौंपा गया था उन्हें इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए था, ताकि इन इलाकों में आइंदा जो नीति आयोग का जो नया अब रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा उस पे कम से कम हम 5% के आसपास आ जाएंगे तो शायद हमने बेहतर किया होगा, लेकिन फिलहाल ये जो फिगर है ये इत्तेहाई फिक्रमंद है और हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे साथ श्रीनगर से सीनियर न्यूज एडिटर सैयद जमुल ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन जब हम एमपीआई के आदाद शुमार देखते हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम शोबों की कारकर्दगी को मिलाकर उस रिपोर्ट को तैयार करने में जिसका बहुत बड़ा रोल मरकजी वजारत सेहत का था साल 2015-16 में, उस पर मबनी जो अदादोशुमार थे वो सामने रखकर उसके बाद हेल्थ सैनिटेशन, आज के वक्त में एजुकेशन पॉलिसीज, उस पर काम होना, ये सारी चीजें एक साथ करने के बाद जब नंबर्स देने की बारी आई तो उनमें रामबन जिला जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ऊपर है इस वक्त, जो जिस पर इजहार तशवीश भी काफी ज्यादा किया जा रहा है। पुंछ के अंदर तकरीबन 25% के आसपास गुर्बत है, रियासी में तकरीबन 22% के आसपास ये अदादोशुमार बताते हैं। नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा जिला 16.8% के आसपास, कठुआ 13% से इस वक्त ज्यादा है, बांडीपुरा 11% से ज्यादा है, 10 के आसपास सांबा है, अनंतनाग में भी 9 के आसपास है, गांदरबल 7.82 है, कुलगाम 7.42 है, यानी बराबरी ये नॉर्थ और साउथ के कुछ डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं। बारामूला में तकरीबन 7.6%, जम्मू के अंदर जहां स्मार्ट सिटी मनसूबे तमाम चीजें, हालांकि जम्मू के मुकाबले श्रीनगर की परफॉर्मेंस इस रिपोर्ट के हिसाब से सही है, जम्मू में 6.97, सेंट्रल कश्मीर का बडगाम भी यहां पर 7% के आसपास, साउथ कश्मीर का शोपियां भी 7% के आसपास गुर्बत, पुलवामा के अंदर तकरीबन 4%, श्रीनगर पूर पॉपुलेशन की जहां तक बात है तो 1.51% के आसपास ये आबादी बनती है एज कंपेयर टू जम्मू। चूंकि बड़े शहरों की जब बात होती है, स्मार्ट सिटीज, रेलवे ट्रैक्स और मेट्रो सिटीज की बात होती है, तो उनमें इन दोनों को शामिल किया जाता है, जहां पर इन दोनों का शुमार होता हो तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस भी टॉप ऑफ द टेबल होनी चाहिए। अब बात जब श्रीनगर शहर